हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्विन प्रेगनेंसी में जो सूजन आती है वो किस हद तक नॉर्मल होती है और कब आपको टेंशन लेने की जरूरत होती है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर ट्विन प्रेगनेंसी में सूजन आती क्यों है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन है कि जैसे जैसे आपके बेबी बड़े होते हैं तो वो उन नसों पर बहुत ज्यादा दबाव डालना शुरू कर देते हैं जो कि आपके ब्लड को हृदय तक वापस ले जाने का काम करती हैं। इसी वजह से आपको जो है सूजन की शिकायत हो जाती है और इस सूजन को मेडिकल लैंग्वेज में एडमा भी कहा जाता है। और जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतनी ही ज्यादा सूजन होती है। और कुछ ट्विन प्रेगनेंसी में ये सूजन बिल्कुल नॉर्मल होती है, कुछ ट्विन प्रेगनेंसी में सूजन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होती है। अगर आप भी ट्विन प्रेगनेंसी में सूजन का सामना कर रही हैं, तो इसको पहचानने का सबसे सरल तरीका ये होता है कि जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगी तो इसके लिए आपके जो है कुछ चेकअप करते हैं, जैसे कि आपके बढ़ते वजन को चेक किया जाएगा एंड इसके अलावा आपके यूरिन में जो है प्रोटीन की मात्रा को चेक किया जाता है और इसके अलावा आपके बीपी की भी जांच की जाती है। अगर ये सारे जो चेकअप हैं बिल्कुल नॉर्मल आते हैं और सब ठीक रहता है और इसके साथ ही डॉक्टर जो है आप पर बारीकी नजर भी रखते हैं। और इसके अलावा आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि ट्विन प्रेगनेंसी में प्रीक्लैम्प्सिया की भी शिकायत होने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। आपको प्रीक्लैम्प्सिया के कोई अन्य लक्षण जैसे कि आपका सर दर्द होना या फिर आपकी आंखों के नीचे जो है काले धब्बे पड़ जाना या फिर आपको जो है आंखों से धुंधला जैसा दिखाई देना, ऐसे कोई भी लक्षण महसूस नहीं होते हैं, तब तक तो आपकी ये जो सूजन है वो बिल्कुल नॉर्मल है। आपको जो है ऐसे में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको जरा से भी ऐसे लक्षण महसूस होते हैं या फिर कोई भी चेकअप में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो फिर आपकी सूजन जो है बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और अगर आपका सब कुछ नॉर्मल आता है तो आपको जो है बहुत छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि आप जब भी आराम करने के लिए बैठती हैं तो अपने पैरों को सीधा करके थोड़ा सा ऊपर उठाकर एंड उनके नीचे प्लो लगाकर रखें। इससे आपको सूजन में काफी आराम मिलेगा एंड आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। और अगर आप अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट रखती हैं तो सूजन और ज्यादा बढ़ जाएगी। और आप जितना ज्यादा पानी पिएंगी आपकी सूजन उतनी ही ज्यादा कम होती जाएगी एंड आपको नमक का भी सेवन कम से कम मात्रा में करना है। अगर आप कोई ऐसी जॉब करती हैं जहां पर आपको दिन भर बैठना पड़ता है या फिर खड़ा होना रहता है एक ही जगह पर, तो ऐसे में सूजन और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको लगातार एक ही पोजीशन में नहीं रहना है, आप जो है बीच बीच में थोड़ा सा उठकर घूमते फिरते जरूर रहिएगा। इसके अलावा आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर आपको कभी भी आपके चेहरे पर अचानक से सूजन आ जाती है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि यह जो सूजन होती है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होती है और ना ही ये आपके लिए अच्छा संकेत होता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।